कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज जो है, आज आपका वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईयर रिपेयर का। ईयर के जो छेद होते हैं वो अगर आपके बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसका आप क्या सजेशन निकाल सकती हैं, इसके लिए मेरे पास कमेंट्स भी आ चुके हैं। और वैसे तो मैंने और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बताया भी है इस चीज़ में, बट ये वाला जो वीडियो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए क्योंकि इसके लिए जो मैं उपाय बता रही हूँ ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जब हमारे कान के छेद हैं, ये जो पियर्सिंग पॉइंट होता है, अगर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो पियर्सिंग पॉइंट में जो है कुछ पहनेंगे नहीं, और मतलब ईयरिंग्स पहनना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब पियर्सिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए हम चाहे छोटे टप्स ही पहना क्यों ना, वो भी लटक जाएंगे, उससे भी पियर्सिंग जो पॉइंट है वो मतलब बड़ा हो जाएगा। तो क्या करें इसके लिए, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, लोग पहनना छोड़ देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ पियर्सिंग जो है होल के बारे में, कि अपने बड़े छेद को आप छोटा किस तरह से कर सकते हैं, मतलब पियर्सिंग पॉइंट अगर आपको बहुत बड़ा साइज है तो आप छोटा किस तरह से करें। तो सबसे अच्छा जो है, बहुत से लोग ये मतलब करते हैं कि आप बैंडेज जो है, बैंडेज जो हम लोग हाथ में लगाते हैं, जो हमारे चोट में वगैरह जो है बैंडेज लगती है, आप उसे कट करके जो है अपने ईयर में लगा लें, उसके बाद आप मतलब जो है ईयरिंग पहन लें। तो क्या ये सही होता है? मतलब एक चीज़ को छुपाने के लिए हम दूसरा दाग बना लें, तो आप लोग समझ नहीं होंगे मैं क्या कह रही हूँ। और मतलब मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जैसे मतलब आप ईयरिंग्स पहनने के लिए आप बैंडेज तो लगा लेंगे, ठीक है, ईयरिंग्स भी पहन लेंगे, अच्छा भी लगेगा, बट जो बैंडेज लगाने से जो आप लोगों का नुकसान होगा उसका आप क्या करेंगे, उसका मतलब फिर उसके लिए परेशान हो फिरेंगे आप कि अरे यार अब क्या हो गया, मतलब एक अच्छा करने के चक्कर में ख़राब हो गया। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि मतलब बैंडेज लगा ले बहुत ही आसान तरीका है, मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे यहाँ मतलब फैमिली में कि मतलब इस तरह से किया है, तो उनके जो है ना मतलब छेद तो सही हो जाता है, मतलब आप ईयरिंग पहन सकते हैं। पर दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे इतनी जगह पे इतना बुरा दाग हो जाएगा आपका, जैसे कि हम बैंडेज नॉर्मली जब हाथ में लगाते हैं, हैंड में लगाएंगे या मतलब कितनी जगह आप देखते हैं, कुछ दिन लगा के रखो तो किस तरह से निशान सा बन जाता है, आप भी जानते हैं ये चीज़ कितना ख़राब लगता है वो निशान। और जैसे कि मैंने पियर्सिंग जो है नोज पिन का जो है ब्लैक जो निशान पड़ जाता है उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है, सो वो वीडियोज़ भी जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि हो जाएगा और इस चक्कर में जो है कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मेरे ख्याल से जो है ना, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए बहुत से वीडियोस में मैंने आप लोगों से चीज़ बताया है कि आप जो चैन आती है इयररिंग्स वो डालें, पर हर इयररिंग्स में हम नहीं पहन सकते, जैसे कि इस इयररिंग में नहीं पहन सकते, बहुत से ऐसे इयररिंग्स हैं जिसमें हम चैन नहीं पहन सकते, अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हर इयररिंग्स में चैन नहीं अच्छी लगती। पर जिस चीज़ में चैन अच्छी लगती है आप कोशिश करिए कि आप उसमें ज़रूर पहनिए। और बात करते हैं अगर जैसे जिसका बहुत ज़्यादा छेद बड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया है, वो नहीं बिल्कुल पहन पा रहे हैं, तो उनके लिए एक ही उपाय है, सबसे बेस्ट है कि आप पियर्सिंग पॉइंट को जो है बंद कर दें, मतलब उसको पहनना छोड़ दें, तो वो अपने आप जो है ना आपका मतलब छेद जो है सही कर देगा, ठीक है, पहले बात तो बंद कर देगा। बंद करने के बाद ना आप उसी को जो है वापस से पियर्सिंग करवाएं। और पियर्सिंग कहाँ करवाना है आपको, इस जगह से थोड़ा ऊपर से पियर्सिंग करवाना है। मेरी बेटी का भी जो पियर्सिंग हुआ है उसका वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो पहले तो मैं थोड़ा सा मुझे वैसा लगा, खराब लगा कि मतलब इतना ख़राब लग रहा है पियर्सिंग, फिर बाद में कुछ लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा पियर्सिंग है, कान जो लटक जाते हैं बहुत जल्दी पियर्सिंग में, जैसे कुछ ज़्यादा हैवी ना पहन सको, तो उसके लिए बहुत बेस्ट पियर्सिंग है कि आप थोड़ा सा ऊपर साइड करवाएं। बहुत से लोग इस चीज़ में परेशान रहते हैं, तो और बहुत से लोग जो हो चुके हैं तो वो बहुत डरते हैं इस बारे में कि कौन दर्द झेले, ये करें वो करें, पर मैं कहती हूँ बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे आप मतलब टांके लगवा लीजिए। तो क्या टांका लगवाना क्या सही ऑप्शन है, मेरा ये कहना है, तो क्या टांका लगवाना सही है, मैं आपसे ये बात खुद कहूँगी, क्योंकि आप एक बार टांका लगाएंगे दोबारा टांका लगाएंगे, और टांका लगने के बाद बहुत से लोग यहाँ लगवाते भी है, पर वो ना वो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है, मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे ईयरिंग पहनेंगे, ऐसा तो है नहीं, कभी तो अपने कान ऐसे रखेंगे, जैसे कि मैं तो घर में पहनना ही नहीं पसंद करती हूँ, पर बहुत से लोग पहनते भी हैं, बहुत से लोग, पर जब वो टांके दिखेंगे बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा वो निशान हमेशा के लिए जो है ना हो जाएगा, और हो सकता है कि उसके बाद भी आपके ईयर बहुत ज़्यादा ख़राब लगे, हो सकता है उसके बाद भी जो है ना ईयर आपके लटके, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का
नोटिस किया है, जैसे मेरे यारे बहुत से लोगों का है जो यहाँ का मांस, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को एक बार बताया था कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है यहाँ की चीज़ें, मतलब ये चीज़ जो होती है ना मांस, बहुत ज़्यादा पतला जो मांस होता है ना वो होता है, तो उसमें क्या होता है ना पियर्सिंग बहुत जल्दी जो है ना, पियर्सिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत जल्दी कान लटकने लगते हैं, ईयरिंग्स जो है पहनो तो बहुत जल्दी लटकने लगेगा। तो इस चीज़ में जो है ना आप खुद एक बार देख लीजिए कि टाके लगाने से कितने लोग तो इतना डरते भी हैं, क्यों ना डर लगे, क्योंकि टाका लगवाना कोई नॉर्मल नहीं होता है। तो मेरे पास सबसे अच्छा यही है, आप यही करिए कि आप पियर्सिंग उस छेद को जो है बंद करा दीजिए, पर हाँ जब बहुत ज़्यादा लटक जाता है तो उसको बंद होना भी मुश्किल हो जाता है, ये भी एक उपाय है, मतलब एक चीज़ मैंने बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा अगर पियर्सिंग पर मैंने लोगों के देखा है बहुत ज़्यादा ज़्यादा जिनका बढ़ जाता है मतलब बहुत ज़्यादा, तो उनका फिर पियर्सिंग पॉइंट बंद नहीं होता है क्योंकि वो एक तरफ से अपनी जगह बना लेता है पूरी तरह से, तो वो बंद होना ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो एक ही चीज़ हो सकता है कि जैसे कि अगर आप उसमें टांके लगवा कर, जैसे यहाँ पे इस जगह पे आप करवा, आपका पियर्सिंग पॉइंट है नीचे साइड होता तभी जो है ना छेद बड़ा होता है, तो आप ये कर सकते हैं यहाँ टांके लगवा कर आप ऊपर साइड पियर्सिंग करवा ले तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक मेरे ख्याल से। और क्योंकि पहले तो मैं आपको जैसे कि मना कर रही थी, पर मैंने बहुत से लोगों के कान ऐसे देखे कि काफ़ी मतलब पियर्सिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाता। हाँ अगर आपका नॉर्मल है, मैं कहूँगी आप लोगों से, मैं खासकर ये चीज़ कहूँगी कि अगर आपका नॉर्मल पियर्सिंग पॉइंट मतलब बड़ा है, पॉइंट उसका मतलब छेद ज़्यादा बड़ा नहीं है पर लटक रहा है, या आपको लगे कि हाँ आगे चल के ये बहुत ज़्यादा कुछ साल बाद हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से यही उपाय कहूँगी कि आप उसको बेफिक्र बिल्कुल बंद करवा दीजिए, मतलब पियर्सिंग जो है आप इयररिंग्स पहनना छोड़ दें और वो अपने आप बंद हो जाएगा, फिर आप नई पियर्सिंग करवाइए। और अभी भी जैसे बहुत से लोग, अभी मेरे पास कमेंट आया था कि मतलब जो उनके मतलब कुछ लोगों का कमेंट है कि नीचे उनकी पियर्सिंग हुई है और मतलब ईयरिंग्स वगैरह पहनो ब्लड निकलना, बहुत ज़्यादा पेन होना, तो मतलब क्या करें इस चीज़ के लिए। तो मैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि अगर आपका पियर्सिंग पॉइंट नीचे ज़्यादा छेद मतलब ज़्यादा पियर्सिंग होल बड़ा है तो आप उसको बंद कर दीजिए और दूसरी पियर्सिंग थोड़े ऊपर से करवाइए, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है मैं ये कहूँगी, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो तो इससे अच्छा है कि आप अभी जो है ना सही कर लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इससे और क्या है ना कि आप बैंडेज वगैरह जो है बिल्कुल यूज़ ना करें, बैंडेज सबसे ज़्यादा जो है ना ख़राब लगेगा, बहुत जल्दी दाग हो जाएगा उससे, क्योंकि हमारी फेस की, हमारी बॉडी की स्किन, हर स्किन अलग अलग होती है, हर बॉडी की, हमारे हर जगह की अलग अलग स्किन होती है, जैसे हमारी यहाँ की देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मतलब कितनी अलग है, यहाँ की देखें तो कितनी ज़्यादा अलग है, तो उसी तरह से हमारी फेस की और हमारे ईयर की स्किन बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो दाग पड़ जाएगा ना तो वो दाग हटेगा नहीं जल्दी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा मतलब ईयर आपका, वो दाग सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो आप फिर क्या करेंगे, आप खुद वो हो जाएगा कि मतलब आप अब क्या करें। तो दाग पड़ने से अच्छा है कि आप नॉर्मली जो मैं बता रही हूँ ना उस तरह से आप कर सकते हैं, कि अगर आप हल्की फुल्की आपके ईयर वो हैं तो आप उसको पियर्सिंग पॉइंट को जो है ना बिल्कुल पहनना बंद कर दें ईयरिंग्स, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब पियर्सिंग पॉइंट को बंद होने का एक यही उपाय होता है कि आप इसी तरह से बंद करवा सकते हैं। अगर नोज़ की बात आती है तो नोज़ में भी वही होता है, और नोज़ की अगर पियर्सिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ना तो वो बहुत जल्दी बंद हो जाता है, मैं तो ये कहूँगी, मतलब ईयर के मुकाबले नोज़ की जो पियर्सिंग होती वो बहुत जल्दी पॉइंट बंद होता है, क्योंकि हर जगह की चीज़ें अलग होती है, हमारी यहाँ पियर्सिंग ज़्यादा बड़ी हो जाती है और नोज़ की हमारी इतनी बड़ी नहीं होती है, और नोज़ की बंद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बंद हो जाता है। तो निशान ना हो इसी चक्कर में जो है आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि मतलब आपको ईयरिंग पहनना है और आप ये गलती करें, तो यही सही तरीका है कि जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है वो वहाँ टाका लगा के ऊपर पियर्सिंग करवा लें, बहुत ज़्यादा जिनका मतलब काफ़ी पियर्सिंग बढ़ जाती है उनके लिए मैं कह रही हूँ, और बाकी जो छोट बहुत नॉर्मल है उनका और लग रहा है कि हाँ कुछ सर्वत बिल्कुल ही कान लटक जाएगा तो उनके लिए बेस्ट है कि आप उस पियर्सिंग पॉइंट को बंद करा के बंद कर दीजिए, मतलब टाके नहीं लगवाना है उसमें, मतलब बंद करें, मतलब आप ईयरिंग्स जो है पहनना छोड़ दें तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, दैट्स इट। एंड अगर आपको कुछ और भी पूछना है, कमेंट करना है, कमेंट में भी पूछना चाहते हैं, बहुत से लोग अपनी पियर्सिंग के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, तो मुझे खुशी होगी कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, कुछ टिप्स दे सकूँ जो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज जो है ये वीडियो मैं आप लोगों से खासकर स्पेशली बनाना चाहती थी कि ताकि आप लोगों से ज़्यादा मतलब इस चीज़ में बहुत से मेरे वीडियोस भी बनाए हैं, पर ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने काफ़ी सोचा, सर्च किया, काफ़ी चीज़ों में पता किया यहाँ वहाँ से, तो मुझे लगा ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से।
तो आप लोग बताइएगा ये सही है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगा ना, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अच्छे अच्छे वीडियोज के साथ मिलती हूँ आपसे।